इफ़ वी टॉक अबाउट कॉलरॉश लॉ, तो जो कॉलरॉश लॉ है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। मैंने आपको बताया था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं लैम्डा एम नॉट, या इसे हम लैम्डा एम इन्फिनिटी भी लिखते हैं। तो आप इसको लैम्डा एम नॉट भी लिख सकते हैं और यू कैन राइट लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या जिसे बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है ए एक्स बी वाई, मीन ए के आयंस एक्स हैं और बी के आयंस हैं वाई। तो इसका आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखेंगे, कितने एक्स के आयंस हैं, सॉरी कितने ए के आयंस हैं एक्स, तो एक्स लैम्डा, यहाँ पे हम छोटा लैम्डा लिखेंगे बिकॉज हम कटायन या अनायन के बारे में लिखेंगे। तो ये जो छोटा लैम्डा होता है इसे आयनिक मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वाई प्लस आयन प्लस वाई, क्योंकि बी आयंस जो हैं वो वाई हैं, इनटू लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ बी एक्स माइनस आयन। अगर मैं आपको दूं कि आपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है NaCl के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे? लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, क्योंकि सोडियम आयन तो एक ही है इसमें, प्लस लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। और इसी तरह से आप मान लीजिए BaCl2 दिया हो, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट दिया हो, तो आप इसकी भी लिख सकते हैं लैम्डा एम नॉट ऑफ बेरियम 2 प्लस आयन प्लस लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन कितने हैं, दो हैं, तो यहाँ पे आगे 2 आ जाएगा, 2 लैम्डा नॉट Cl माइनस। इन द सिमिलर वे अगर आपको लेट अस सपोज दिया हो Al2SO4 होल थ्राइस, अल्यूमिनियम सल्फेट एज इलेक्ट्रोलाइट दिया हो, तो इसका क्या आ जाएगा, आगे 2 आ जाएगा, क्योंकि अल्यूमिनियम आयन कितने हैं, 2 लैम्डा नॉट Al3+, क्योंकि अल्यूमिनियम पे चार्ज होता है 3+, प्लस सल्फेट कितने हैं, 3 लैम्डा नॉट SO4 2-। तो इस तरह से आप कॉलरॉश लॉ में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी लिख सकते हैं एट इन्फिनाइट डिल्यूशन।